नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, सामान्य हिंदी का समय हो चुका है और हम सामान्य हिंदी की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों, हमारा सेशन चल रहा था सामान्य हिंदी में और आज हमारा नौवीं क्लास है, यानी कि सेशन नंबर 9 है। और हमारा जो सेशन चल रहा था वो संधि को लेकर चल रहा था और स्वर संधि में हम पढ़ रहे हैं आज अयादि संधि। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है अयादि संधि से। हम कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत आराम से बिल्कुल बेसिक बातों की जानकारी कि किस तरीके से इन संधियों को एक ही बार तैयार करके लाइफ टाइम के लिए इन्हें रखा जा सकता है अपने पास सजो कर। ठीक है, इसी में हम बात कर रहे हैं। अब आप सबको पता है यहाँ पर कि संधि जो होती है वह प्यारे बच्चों तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, ठीक है, एक आपकी होती है व्यंजन संधि, ठीक है, और एक होती है बच्चा आपके विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार की संधि होती हैं। ठीक है, इसमें भी अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हम बात कर रहे हैं स्वर संधि की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा। स्वर संधि के जो भेद होते हैं ये आप सबको पता है कि पांच प्रकार के भेद होते हैं। जैसे कि आपका होता है, एक होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि होता है, ठीक है बेटा। दूसरा जो होता है वह होता है गुण स्वर संधि होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वह होता है वृद्धि संधि। क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि होता है बेटा, ठीक है। अब चौथे नंबर पर अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यण स्वर संधि होती है, ठीक है, यण स्वर संधि आपकी होती है। और पांचवें नंबर पर बेटा ये होती है अयाधि, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, अयाधि स्वर संधि, ठीक है। आज हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा इतनी बात। अब देखिए, हम अभी तक चार संधि पढ़ चुके हैं। इसमें इसका जो उच्चारण होता है वो आ का होता है, ई का होता है, ऊ का होता है और रिर का होता है। जिसके शब्द में के मध्य में आ ई ऊ रिर आ जाएंगे वह हो जाएगा। गुण स्वर संधि में अगर हम बात करें तो ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, अर हो जाएगा, तो वही हमारी हो जाएगी। यहाँ पर वृद्धि में बड़ा ए हो जाएगा और बड़ा ओ आपका आ जाएगा। यण संधि में य का उच्चारण, वै का उच्चारण, र का उच्चारण और ल का उच्चारण मध्य में बनता है शब्द। आज जो हम बात करेंगे अयादि की बात करेंगे, अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। यदि मैंने बोला यहाँ पर महेंद्र, मैंने अगर यहाँ बोला महेंद्र, तो पहली बात तो ये है कि आपको ये शब्द बताना है किस संधि का है। तो इससे पता चला कि इसके शब्द के मध्य में आ गया है बड़ी ई, और इससे पता चलता है ये है आपका वृद्धि दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि बेटा ये है, दीर्घ स्वर संधि बेटा ये है। अब इसका ई कैसे टूटेगा? महा प्लस के महा सॉरी मही प्लस के, मही प्लस के इंद्र में टूटेगा। तो एक तो ये डाउट होता है बच्चों का कि महेंद्र हो जाता है, लगा देते हैं महा प्लस के इंद्र, वो बेटा महेंद्र नहीं होता, वो महेंद्र होता है, वो होता है महेंद्र, महेंद्र होता है। तो इसे हम तोड़ते हैं महा प्लस के इंद्र में। तो ये दोनों शब्दों को जरा संभाल के रखना है, एक होता है शब्द महेंद्र और एक होता है महेंद्र। महेंद्र शब्द जो होता है वो आ से होता है, यानी कि आ और ई के मिलने से बेटा वो बनता है ए। क्या बनता है? ए बनता है। जबकि यहाँ है मही, तो इससे आएगा ई छोटी बड़ी ई और प्लस के छोटी मिलकर भी क्या बनेगा? बड़ी। तो इस डाउट से ज़रा बच के रहना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं, वो क्या होता है, ठीक है। हम कुछ बच्चे जो है सदैव होता है, एक शब्द क्या होता है बेटा? सदैव होता है, एक शब्द होता है हमारा सदैव। कौन सा शब्द होता है बेटा? सदैव होता है, जिसे हम सदैव बोलते हैं। तो ये शब्द होता है वह सदैव। तो बेटा इसका होता है सदा प्लस के एव। तो यहाँ पर बेटा आ चुका है आ और यहाँ आ चुका है ए, इन दोनों से मिलकर बन गया बड़ा ए। तो बड़े ए की मात्रा होती है दो, इस वजह से यहाँ पर आप कुछ बच्चे टीचर बताते हैं कि जहाँ भी डबल मात्रा आती है वही क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पर मैं उन टीचरों से बताना चाह रहा हूँ, शंखेश वर्य, अगर ये शब्द आ जाएगा तो फिर तो वो यही लगवा कहेंगे, शंख एस वर्य यही लगवा कहेंगे बेटा, मगर ये बेटा गलत होता है, ये गलत होता है उनकी कहानी की वृद्धि। ये क्या होता है? शखी प्लस के ऐश्वर्य, ये शब्द ऐसे टूटता है शंखवेश्वर्य। अब आप बच्चा ये बताओ कि ये क्या बनेगा? देखो यहाँ ई आ चुका है और यहाँ पर ए आ चुका है, तो इससे क्या बनेगा? ये बनेगा, क्या बनेगा? ये, और ये किस में होता है?
यण संधि में होता है। क्या होता है? यण संधि में होता है। ठीक है बेटा, ये यण संधि में होता है, इतनी बात याद रखनी है। तो कुछ ऐसे बच्चों को जो डाउट होते हैं, ऐसी बातें जो होती हैं बनती हैं। चलिए अब हम सीधे अपने आते हैं अयादि संधि में। अगर कोई डाउट आपका आता है आपके सामने तो आप हमसे कमेंट्स करेंगे, हम उसको आपके सोल्व कर देंगे। और यदि आपको कोई भी चीज़ ऐसी चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जो है हमारा, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अयादि संधि की। ठीक है बेटा, अयादि संधि, अयादि स्वर संधि भी कहते हैं, इसे आदि संधि भी कहते हैं, आदि संधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी संधियों का समायोजन होता है, बहुत सारी संधियों का इसमें समायोजन होता है, इसलिए आदि संधि इसको कहते हैं। ठीक है बेटा, इसमें होता है जब संधि बनाते समय, संधि बनाते समय, संधि बनाते समय बेटा, ठीक है, संधि बनाते समय जब ए ए ओ और औ, बस इनको याद रखना, ए ए ओ औ का मेल, का मेल किसी असमान, इनसे अलग असमान, असमान स्वर से हो तो, से हो तो, हो तो ए और ए समान स्वर के बाद में क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। यहाँ पर ही बड़ा ए अगर होगा और ए समान स्वर होगा तो बेटा क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ही आ जाएगा ओ, ओ के बाद में अगर ए समान स्वर आएगा तो बेटा क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब। और बड़ा ओ अगर हो और क्या आ जाए ए समान स्वर तो बेटा क्या बन जाएगा? आप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आप। ठीक है, आप बन जाएगा, यहाँ से कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं अगर आपको एक ही उदाहरण बताऊँ, एक ही अगर मैं उदाहरण बताऊँ समझाकर अच्छे से, तो अब मैं उम्मीद है कि आप लोग उस चीज़ से समझ जाएंगे। किताब कभी कोई टीचर कभी इस चीज़ को ओपन नहीं करेगा, मगर मैं आपको बहुत जल्दी से बताने वाला हूँ। क्या सपोज करो कि हमने कहा ए, ए के बाद में अगर हमने ए जोड़ दिया तो हमारा बताया गया कि आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखिए, ए को खुद हम तोड़ सकते हैं, कैसे? ए और ई से। ठीक है, ये ए ऐसे ही आ जाएगा, ये बन गया। तो अब ये देखिए, इस ए को ऐसे ही लिखो जो का त्यों, ठीक है, और ये आ गया ए, और इसका क्या होता है? मिलकर बना होता है ये, तो क्या बन गया? आय। समझ गए? ऐसा बनता है। क्या बन गया? समझे? आय बनता है ऐसे। अगर वहाँ पर बेटा आ जाए, यहाँ पे बेटा आ जाए ओ और ए, तो हमें पता है कि आ जाएगा, अब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब। ये वाला अब हो जाएगा। कैसा पता चलेगा इसका अब हो जाएगा? इसे हम तोड़ सकते हैं ए और ऊ में, और इसे तोड़ सकते हैं ए में। तो यहाँ कौन सी संधि आ गई? यहाँ आ गई गुण संधि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थी? गुण संधि, गुण संधि इसमें, और इसे अगर हम कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी यण संधि। तो इसमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, वैसे तो आदि संधि कहते हैं। तो इस ए का तो ए लिखा जाएगा, और इसका ओ और ए का क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। तो इन दोनों को मिलकर बनता है आप। ठीक है, बताइए, जल्दी नोट करो इन चीज़ों को। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं ये, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अयादि संधि को अगर समझना है तो डिटेल से। अगर डिटेल से अयादि संधि समझनी है तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें सीखना। चलिए, अब और आय वाले हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ कि अगर मुझे यहाँ पर एक चीज़ निकालनी है कि आय निकालना है, तो अगर मैं ए के साथ ई को इंक्लूड कर दूँ तो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ आ और ए में, और ये ई। ठीक, इस आ को तोड़ सकता हूँ ए प्लस ए में, इस ए को तोड़ सकता हूँ ए प्लस ई में,
ठीक है, ए और ई, ई है, समझ गए नहीं, क्या हो जाता है ई में, और इसको मैं ई लिख सकता हूँ। तो अब आप मुझे बताइए, इसका तो हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा आ, ठीक है, इसका हो जाएगा यह, क्या हो जाएगा यह, इसी की मात्रा लग जाएगी, इसी की क्या लग जाएगी मात्रा, तो क्या हो गया आई हो गया, बनेगा नहीं बनेगा, तो इस तरीके से आई बन जाता है। ठीक है, अब हम सीधे जो आते हैं, अब सीधे हम इस पर उदाहरण हो चुका है, ये संधि क्या होती है इसको सीख लिया है। ठीक है, अब हम सीधे जो है ना इसके एक ही फोकस करते हैं, इस पर एक ही पर्पस पाते हैं इसके हम, और वो हमारा सीधा पर्पस जो है बेटा, वो सीधा पर्पस हमारा क्या है आप जान के होंगे, हम सीधे जो है अब उदाहरण पर लेकर आते हैं, अयादी संधि का जो है केवल उदाहरण लेकर आते हैं और वहाँ वहाँ पर समझाएंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ले देता हूँ, बताइए क्या है। पहला एग्जाम्पल है ने प्लस के अन, आप इसको बनाओ क्या है। दूसरा एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर जो है वो है से प्लस के अन, से प्लस के अन। तीसरा एग्जाम्पल जो बनेगा बेटा वो बनेगा चे प्लस के अन, क्या बनेगा चे प्लस के अन। ठीक, इसके बाद में चौथा एग्जाम्पल बनेगा से प्लस के अक या गे प्लस के अक, चौथा है गे प्लस के अक। पांचवा एग्जाम्पल जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा ने प्लस के अक, ने प्लस के अक। ठीक है, छठा एग्जाम्पल जो बनने वाला है वो क्या बनेगा बेटा दे प्लस के अक, दे प्लस के अक। चलो ये भी हो गया। इसके बाद में आपका जो एग्जाम्पल बनेगा तो मैं फिर ले सकता हूँ से प्लस के अर, सातवां से प्लस के अर, से प्लस के अर। आठवां एग्जाम्पल जो बनेगा बेटा वो बन जाएगा आपका बिने प्लस के अक, बिने प्लस के अक। ठीक है, नवा एग्जाम्पल जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा ने प्लस के इका, ने प्लस के इका। करिए इनको देखिए आप, बनाइए अपना धुआंधार तरीके से क्या होगा इसका, जल्दी बनाओ इनको, जल्दी बनाओ। ठीक है, क्या है इनका आंसर देखिए जरा जल्दी। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ ने प्लस अक, तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ है ए, ठीक है, और यहाँ है ए, तो क्या बन जाएगा यहाँ क्या है ए। अभी मैंने बताया था ए और ए क्या बन जाता है, ए और ए क्या बन जाता है आई बन जाता है, अभी सिखाया था क्या बन जाता है आई बन जाता है, और क्या हो जाएगा नयन, क्या बन जाएगा यहाँ पर नयन। ठीक है, से प्लस अक क्या बन जाएगा, यानी कि यहाँ भी ए है प्लस के ए है, क्या बन जाएगा आई बन जाएगा, और क्या हो जाएगा शयन, यहाँ पर क्या बन जाएगा इसी तरीके से चयन। ठीक है, यहाँ गे है डबल मात्रा है ए बन जाएगा, और यहाँ ए तो क्या हो जाएगा ए आया है तो आय बन जाएगा आय, जब डबल मात्रा होगी तो यहाँ आ आगा, डबल मात्रा होगी तो आ आगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा गायक, क्या बन जाएगा बेटा गायक बन जाएगा, ने अक है तो यहाँ पर बड़ा ए है, ठीक है, और ए है तो अब आपका क्या बनेगा आय बनेगा, क्या बनेगा आय, तो क्या हो जाएगा नायक, नायक बन जाएगा। फिर यहाँ पर ए है बड़ा, फिर यहाँ पर ए है तो क्या बन जाएगा बेटा आय बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा दायक, दायक। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक, बहुत अच्छा है। से तो ये क्या बन जाएगा ए है बड़ा और ए है तो क्या बन जाएगा आय बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से सायर, क्या बन गया सायर। ए प्लस के ए है तो क्या बन जाएगा आय बन जाएगा, और क्या हो जाएगा वी न आ ये क्या आय वाला है तो विनायक बन जाएगा। यहाँ से इका है तो ए है और प्लस के ई है तो क्या बन जाएगा, क्या है, क्या है जल्दी बताओ, आपका ई आया है, ठीक है, तो ई आया तो क्या बन जाएगा आई बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा ना आई, नाई का, क्या बन जाएगा नाई का, क्या बन जाएगा बेटा नाई का बन जाएगा। ठीक है, हाँ है ना, हो गया।
एग्जाम्पल नो एग्जाम्पल हो गए इसके, नो एग्जाम्पल हो गए हैं, नो एग्जाम्पल तो बहुत होते हैं बेटा, ठीक है। चलो और भी हम एग्जाम्पल कराएंगे, क्योंकि अभी हम लगभग सारे रूल में नहीं पहुँचे हैं, सारे रूल में नहीं पहुँचे हैं, इसलिए सारे रूल को हम और करने के लिए और एग्जाम्पल आपको जो है प्रोवाइड कराते हैं इसके, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप एग्जाम्पल की करोगे, इतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में अपने नंबर गेन कर पाओगे, ठीक है। यही है, यही है। अच्छा, अगर आपने पढ़ लिया बच्चा, ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाएगा गे प्लस के इका, ठीक है, गे प्लस के इका, गे प्लस के इका, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ से आ जाएगा एग्जाम्पल दे प्लस के इनी, दे प्लस के इनी, ठीक है, इन बनाओ आप जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, को प्लस के ऐसे पो प्लस के अन, पो सॉरी भो प्लस के अन लिखते हैं, चलो चलो भो लिख देते हैं, भो प्लस के अन, ठीक है। फिर अगर हम लिखें चौथे नंबर पर, तो आपका हो जाएगा पो प्लस के अन, क्या बन जाएगा, पो प्लस के अन। पाँचवें नंबर पर अगर हम बात करें, पाँचवें बेटा, तो वो हो जाएगा हो प्लस के अन, हो प्लस के अन, ठीक है बेटा, बनाओ इनको। छठे नंबर पर अगर हम बात करेंगे, तो छठे नंबर बन जाएगा भो प्लस के इष्य, भो प्लस के इष्य, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम यहाँ बात करें बेटा सातवें नंबर पर, तो सातवें नंबर पर बन जाएगा कि गो प्लस के ईस, गो प्लस के ईस, ठीक है। नवे नंबर पर अगर, आठवें नंबर पर अगर हम बात करें, आठवें नंबर बेटा, तो क्या बन जाएगा भैया, पो प्लस के अन, क्या बन जाएगा बच्चा, पो प्लस के अन, ठीक है। आवाज़ समझ डिस्टर्ब होना, काम हो रहा है बिल्डिंग में, ठीक है। धो प्लस के अक, धो प्लस के अक, तो अब बनाइए क्या है इसको। अब ये नौ आपके एग्जाम्पल हो चुके हैं, 18 एग्जाम्पल का मतलब समझते हो आप, 18 एग्जाम्पल का मतलब समझते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो देखिए गे प्लस इका है तो क्या हो जाएगा, गाय का, ई लग रहा है ना, तो ई हो जाएगा। दे प्लस के इनी क्या आ जाएगा, देनी, क्या हो जाएगा, दे प्लस के इनी दायनी, क्या हो जाएगा, दा आ ये ई ने ई, क्या बन जाएगा, दायनी। भो प्लस के अवन क्या हो जाएगा, भवन, क्या हो जाएगा, भवन, क्या बन जाएगा, भवन, क्योंकि यहाँ ओ है और यहाँ ए है, तो क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, ठीक है। पवन, पोवन के क्या बन जाएगा, पवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, पवन, ठीक है। अब ये क्यों होता है ऐसा, देखिए यहाँ ओ है, यहाँ ए है, इस ओ को हम तोड़ सकते हैं ए और उ में, और यहाँ आ जाएगा ए, तो इस ए को तो वे में पे हलंत ए, और ए उ और ए का क्या बन गया, वे, तो ये तो कट गया यहाँ से, अब बचा क्या, ने। अब इसको एक साथ लिखो, तो पोम पे में ए आ गया, तो वे हो गया, पे हो गया, फिर वे और ने, तो शब्द क्या बन गया, पवन। इस तरीके से बनता, यहाँ हो प्लस के अन है तो क्या बन जाएगा, हवन, क्या बन जाएगा, हवन। यहाँ भो प्लस के इसी है तो क्या बन जाएगा, भविष्य, क्या बन जाएगा, भविष्य, भो प्लस के इष्य, क्या बनेगा बेटा, यहाँ से भविष्य बन जाएगा। गो प्लस के ईस का हो जाएगा गवीस, क्या हो जाएगा, गवीस हो जाएगा, ठीक है। पो प्लस के अन का मतलब हो जाएगा पावन, क्या हो जाएगा, पावन, इसका हो जाएगा धावक, क्या हो जाएगा, धावक, ठीक है। करो इनको जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी करो इनको नोट, अभी और भी हैं और एग्जाम्पल भी कराएंगे, क्योंकि एग्जाम्पलों का खेल है इसमें, और कुछ नहीं है खेल। अगर आपका एग्जाम्पल अच्छे होते हैं तभी आप जीनियस हो, एग्जाम्पल अच्छे नहीं होते हैं तो आप जीनियस नहीं हो, ठीक है, ठीक है। नहीं बताइए, जल्दी करिए इसको, जल्दी 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 करो बेटा, फुर्ती से, एक शब्द होता है फुर्ती, समझ गए, नहीं उससे करो काम, ठीक है। अट्ठारह एग्जाम्पल हो चुके हैं, अब हम कराएंगे संधि विच्छेद, हम कराएंगे संधि विच्छेद, ठीक है। हम क्या कराएंगे, संधि विच्छेद कराएंगे, और सबसे पहले हम शब्द लिख रहे हैं शाबक, क्या लिख रहे हैं, शाबक, संधि विच्छेद करना है, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं श्रावण, दूसरा हम क्या लिख रहे हैं, श्रावण, संधि विच्छेद करना है। तीसरा शब्द जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से तीसरा लिखेंगे रावण,
रावण, ठीक है। चौथा जो हम शब्द लिखेंगे बेटा, वो हम लिखेंगे यहाँ पर भावना, भावना, ठीक है। पांचवा शब्द जो लिखेंगे हम, वो लिखेंगे आपका हो जाएगा प्रभावित, प्रभावित। और आठवां शब्द जो हम लिखेंगे, वो लिखेंगे यहाँ से हम भावुक, भावुक, ठीक। अब आप मुझे बताइए कि सब ये व्यवाल्य है, सब ये व्यवाल्य तो आराम से हो सकता है। आ का मात्रा लग रहा है और बै के साथ लग रहा है, तो इसमें क्या होगा? आब होगा। क्या होगा निकला हुआ? आब। जब आब होगा निकला हुआ, तो आप मुझे बताइए, जब आ निकाल दूँगा तो यहाँ क्या बचेगा? सह बचेगा, हलंती, सह हलंती बचेगा, ठीक है। और इसमें मैं लगा दूंगा ओ, तो क्या हो जाएगा? शो, ठीक है। अब प्लस के हो जाएगा अक, क्या हो जाएगा? अक, तो बन जाएगा शावक। क्योंकि ओ से और ए से क्या बनता है? क्या बनता है? वह बनता है। तो इस ओ से और वह से कैसा बनेगा? देखिए, ये ओ है और प्लस ए है, तो ओ को हम तोड़ सकते हैं ए प्लस छोटे ओ में, ठीक है, प्लस ए। फिर इस ए को ए रहने दो, इसे हम तोड़ सकते हैं ए प्लस के ऊ में, और इसे हम तोड़ सकते हैं ए में। तो यह ऐसा हो गया आ, क्या हो गया? आ बन गया, और इस ऊ और ए का क्या बन गया? ऊ ए। तो अब मिलकर क्या बन गया? आप बन गया। तो ऐसे सूत्र था, इतना होता है इसमें, ठीक है भैया। ऐसे श्रावण है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा श्रावण में? सिरो, सिरो, सिरो प्लस के अन, क्या हो जाएगा? श्रवण। रावण में भी ऐसा ही है, तो क्या हो जाएगा? रो प्लस के अन, क्योंकि नय का भी नय बन जाएगा रोवन। भवन का भो प्लस के आना, भो प्लस के आना, क्या बन जाएगा? भावना, ठीक है बेटा। भो प्लस के आना भावना। फिर भावित का बताइए, तो प्रभो प्लस के इत, क्या बनेगा? प्रभो प्लस के इत, क्या बन जाएगा? प्रभोवित, प्रभावित, ठीक है। अब भावुक का है, तो भो प्लस के उक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भो प्लस के उक। इस तरीके से अगर एक बार आपने ऐसी चीज़ सीख ली, रूल सीख लिए, तो फिर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। कोई भी रोकने वाला नहीं है अगर आपको रूल आते हैं तब, ठीक है। चलिए, ये हो चुके हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जिससे कि आपका संधि विच्छेद करने में कोई दिक्कत ना आए, कोई संधि विच्छेद करने में कोई दिक्कत ना आए। हम संधि भी और संधि विच्छेद भी सारे हम कराएंगे आपको, ठीक है। संधि भी और संधि विच्छेद भी। जैसे मान के चलिए, आपका आता है दायनी, द आ ये ई, दायनी का संधि विच्छेद करो, तो यहाँ पर क्या शब्द है बीच में? देखो, ये शब्द क्या है? आ ई, आई आया हुआ है शब्द, तो आई शब्द जो आगा वो किससे आगा? आई शब्द जो आगा वो यह किससे आता है? यह आता है, यह किससे आता है? अगर हम किसके साथ यह करेंगे, अगर हम यह जब आगा, जब हम ए के साथ करेंगे, और ए में भी आ है, तो हम इसे तोड़ेंगे बड़ा ए प्लस के ए में, ठीक है। और बड़ा ए किस में टूटता है? ए प्लस के छोटे ए में, और यहाँ ए, तो नई लाइन में और क्या आगा? ए प्लस के ए, क्या तोड़ सकते हैं? ए और यहाँ पर ऊ, सॉरी ई, ई और यहाँ पर क्या आया? ए, ठीक है, ठीक है भाई। अब इसका बना दो डबल का आ, इसका बना दो ये, क्या बना दो? ये, तो आए हो चुका है। और इसको अगर मैं डबल ए में तोड़ दूं आ को, तो एक ए और आ जाएगा, तो ए और ई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ए और ए, तो क्या बन जाएगा? ए, और आपका हो जाएगा छोटी की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है भाई। तो अब समझो, शब्द में इन्हीं आएगा, आप सब समझो दोबारा से क्या लिखना है। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं, हम क्या लिखने वाले हैं बेटा? दे प्लस के इनी, क्या लिखने वाले हैं? दे प्लस के इनी हम इसको लिखने वाले हैं, और ये हमारा बन जाएगा दाइनी, ठीक है। बताओ, एक आता है भवती शब्द, भवती, बताओ क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद? ठीक है, तो भो प्लस के अति, क्या बन जाएगा? भो प्लस के अति, ये शब्द बन जाएगा भू प्लस के अति, भवती,
ठीक है बेटा, एक आपका यहाँ शब्द आता है प्रस्तावित, क्या आएगा? प्रस्तावित, इसका संधि विच्छेद करिए, प्रस्तावित का बनाइए क्या है, क्या बनेगा? प्रस्तो प्लस के इत, क्या बन जाएगा? प्रस तो प्लस के इत, क्योंकि इस ओ का ओ प्लस के ई का क्या बन जाता है? आबी बन जाए, क्या बन जाता है? आबी। और इसमें क्या है छिपा हुआ? आबी छुटो छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है? आबी। तो बन जाएगा प्रस्तावित। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी है, आपके यहाँ पर एग्जाम्पल थे, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से करना है, बिंदास तरीके करना है, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं आपको इसी तरीके की क्लास से। तो कल हमारी जो होने वाली है वो होने वाली है व्यंजन संधि, तो अभी तक हमने स्वर संधि के सारे भेद करा दिए हैं। आपसे आग्रह करूँगा कि आप सारी क्लासेस देख लीजिए, अगर आपको संधि टॉपिक करना है, हिंदी अच्छी करनी है, तो आपको सारी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, ठीक है? तो मिलते हैं नए क्लास में, इसी तरह आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं कल 7 बजे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।